ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, अब यहां तो ये नीला आपकी शक्ल तो देखिए। क्षमा करना जीजा साहब, हम आपके साथ एक खेल खेल रहे थे। आप भी ना जीजी, सारा खेल खराब कर दिया। खैर, माफी मांगते हैं आपसे। अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हमें लगा कि सोड़नी में जोधा बेगम है, इसलिए हमने अनजाने में। कोई बात नहीं जीजा साहब। जीजी, हम चलते हैं। आप दोनों को अकेले में कुछ बातें करनी होंगी ना। लीला, ये ओढ़नी देके जाओ। हम आपसे माफी मांगते हैं जोधा बेगम। अल्लाह कसम, हमें नहीं पता था कि वो आप नहीं, वो हमें नहीं लगता शहंशाह कि आप इस खेल में जीत पाएंगे। कैसा खेल? अरे वही, अपनी घराली को पहचानने वाला खेल। मतलब आप हमसे नाराज नहीं? आपने ये जानबूझकर किया क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे जोधा बेगम? तो फिर हम आपसे नाराज क्यों होंगे शहंशाह? हाँ, परंतु यदि कल खेल में आप हमें पहचान नहीं पाए तो आपको उसकी भरपाई करनी होगी। चलिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपने कुछ गलत नहीं समझा। और रही बात उस खेल की जोधा बेगम, उस खेल में हम ही जीतेंगे और भरपाई आपको करनी होगी। ठीक है, देखते हैं। आपकी हरकतें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि आप जीत पाएंगे। हमने हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। सुनो सुनो सुनो, हर आमो खास को ये खबर की जाती है कि आज महल में जश्न में सबको न्योता है। बेगम जोधा की बहन शहजादी लीला के मंगेतर के इस्तकबाल में ये जश्न है। तमाम आगरा वासियों का खाना शाही बावर्ची खाने से आएगा। किसी के घर में आज चूल्हा ना जले, ये शहंशाह की सख्त हिदायत है। सुनो सुनो सुनो। क्या कहते हैं, चले शाही दावत में? हमें भी यही लगता है, यही सही मौका है। हमें उन लोगों को सावधान करना होगा। ये क्या मुराद, आप तैयार नहीं हुए बेटा? क्यों तैयार हूँ, उस जश्न में हमारी जरूरत क्या है? मुराद, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा। अगर आपके अब्बू जान को पता चलेगा कि आप जश्न में नहीं आए हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। आपने हमेशा रहीम भाईजान और सलीम भाईजान को तवज्जो दी है अम्मी जान। शहंशाह ने भी वही किया, जंग पर सलीम भाईजान को तो भेज दिया। हमें नहीं पहनने ये कपड़े, हमें नहीं जाना उस जश्न में। या मेरे अल्लाह, हमसे जाने अनजाने में कभी भी रहीम और मुराद के बीच में फर्क हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। और मुराद को कभी वो राज पता नहीं लगना चाहिए कि वो हमारी नहीं किसी और बेगम की औलाद है, जिनके इंतकाल के बाद हमने उन्हें पाला पोसा है। या मेरे मौला, उन्हें कभी इस राज के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अंदर कहाँ चले जा रहे हो? शहंशाह से मिलने, उन्हें इस समय हमारी आवश्यकता है। सुनो, इस भिखारी की जरूरत है शहंशाह को।
है कौन तू? तुम लोगों के लिए शायद कुछ भी नहीं, पर शहनशाह के लिए एक खास आदमी। चलो चलो दफा हो जाओ यहाँ से, शहनशाह किसी भी एरे गहरे से नहीं मिलते। जाता हूँ, जाता हूँ। बहुत शीघ्र तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आओगे, ढूंढते हुए। कुंवर संग्राम सिंह तशरीफ ला रहे हैं। खंबागढ़ी शाही परिवार को कुंवर संग्राम सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहे, आगरा में आपका स्वागत है। मुगल खानदान आपका इस्तकबाल करता है। वैसे कवर साहब, आपकी नजरें किसे ढूंढ रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भला मेरी आंखें किसे ढूंढेंगी? बनिए मत कवर साहब, हमें सब पता है। पर जिसे आपकी नजरें ढूंढ रही हैं, उसे ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। हमारी बहन लीला के दर्शन पाने के लिए आपको एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? समझ नहीं आ रहा है संग्राम सिंह के सामने कैसे जाऊं। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। होशियार, मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। लीला, प्रणाम जीजी साहब। कितनी सुंदर लग रही हो तुम लीला। बिना जीजी साहब। अच्छा ये ओढ़नी यहाँ पर रख दो। जीजी साहब, ये सब क्या है? ऐसा है कि हमने सोचा है कि हमारे होने वाले कवर साहब के साथ एक खेल खेला जाए, और शहनशाह तो हमेशा हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, पर अब शहनशाह को हमारी परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। हम कुछ समझे नहीं जीजी साहब। लीला, ये हमारे यहाँ का रस्म होता है। हम सारी स्त्रियाँ एक जैसे वस्त्र पहन लेंगे और फिर हमारे पतियों को बिना घूंघट उठाए पहचानना होगा कि उनकी पत्नी कौन है। अरे वाह, ये तो बड़ा रुचिकर खेल है। बिल्कुल, आप पहना दो। अच्छा है, इसी बहाने मैं संग्राम सिंह को थोड़ी देर खुद से दूर रख पाऊंगी। अब देखते हैं हमारे होने वाले कवर साहब इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं, और शहंशाह भी हमें पहचान पाते हैं या नहीं। चलो जलाल, संग्राम सिंह जी आराम से पूरा वक्त लेकर पहचानिए, कोई जल्दी नहीं है। नहीं शहंशाह, हम भी नहीं समझे। और अगर पहचान ठीक नहीं हुई तो? उसका मतलब ये होगा कि आप कभी भी अपनी बेगम का चेहरा नहीं देख पाएंगे।
आपके हाथों में हमें मेहंदी बहुत खूबसूरत लगती है जोधा बेगम। हमें भी इसे लगाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम ये आप ही के लिए लगाते हैं। इस बार भी बाजी हम नहीं मार ली। बहुत खूब जलाल, आपने एक बार फिर अपनी बेगम को पहचान लिया। कहा था ना मैं आपको कि हम आपको पहचान ही लेंगे, जीत हमारी ही होगी। हमने तो हमारी बेगम को पहचान लिया संग्राम सिंह, हमने तो हमारा इम्तिहान दे दिया, अब आपके इम्तिहान की बारी है। आगे बढ़िए संग्राम। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा घूंघट उठा ले। माँ ने कहा था कि रात से पहले इसके सामने नहीं आना चाहिए। मैं पहचान लिया लीला। इसने मुझे लीला कहकर क्यों पुकारा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तंत्र विधि में अंग आहुति देकर संग्राम सिंह को पूरी तरह से अपने मंत्र का गुलाम बना लिया है। मेरी अंगुली की बलि कैसे नाकाम जाती। शाबाश संग्राम सिंह, आपने तो बाजी मार ली। क्यों नहीं मारेगी, आखिर होने वाले साड़ू भाई किसके हैं? वैसे कवर साहब, आपने हमारी बहन लीला को पहचाना कैसे? कहीं कोई बीमारी तो नहीं की आपने? और लीला, तुमने तो कहीं अपने होने वाले पतिदेव की सहायता नहीं की? क्या जीजी सा, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? दरअसल इसमें किसी ने कोई बेईमानी नहीं की। ये जो हमारे बंधन की निशानी की अंगूठी इनकी उंगलियों में मौजूद है, उसी से हमने इन्हें पहचान लिया। अच्छा, तो ये बात थी। अरे बस मल्लिका हिंद, अपनी जांच पड़ताल बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल जश्न का मजा लेते हैं। बिल्कुल। आई जश्न का आगाज हो। क्यों हुआ, क्यों इससे मुझ में लीला नजर आई? ओ दिल
क्षमा करें शहंशाह, हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब अगर चाहें तो आपके लिए हकीम साहब को बुलाएं। नहीं नहीं, थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम करेंगे तो सही हो जाएंगे। हमें जाने की अनुमति है। ठीक है, चाहिए आराम फरमाए। प्रणाम शहंशाह। वो तो चला गया, लेकिन उसने मुझ में लीला कैसे देख लिया? जोधा बेगम, वादा याद है ना आपको? कौन सा वादा? भूल गए? शर्त लगी थी ना हमारे बीच कि अगर हम जीत जाते हैं तो जो भी हम कहें आपको वो करना होगा। भूल गए क्या आप? ये गलत बात है जोधा बेगम। सही हो या गलत, प्यार और युद्ध में सब उचित होता है शहंशाह। लेकिन हमारा तजुर्बा तो कहता है जोधा बेगम के राजवंशी कभी अपनी दी हुई जुबान से नहीं मुकरता है। पर हमने आपसे कोई वादा किया था क्या? हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। और वैसे भी हमें बहुत नींद आ रही है शहंशाह। उत्सव की तैयारी में बहुत थकान हो गई थी ना। एक काम करते हैं, अभी जाकर आप अपने कक्ष में सो जाइए, हम यहाँ सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर याद करने का प्रयास करेंगे कि हमने आपसे कोई वादा किया था। ठीक है, प्रणाम, सो जाइए। शुभ रात्रि। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ तो मत जाइए, सो जाइए यहाँ पे। ये गलत बात है जोधा बेगम, आप अपनी दी हुई जुबान से मुकर रही हैं। पर हमने कब कहा कि वादा पूरा नहीं करेंगे? लेकिन आपने तो कहा था कि आप सुबह सुबह बात करेंगी। वही तो, हमने कहा कि सुबह बात करेंगे, ये कब कहा कि वादा पूरा नहीं करेंगे। पर आप भी ना बच्चों की तरह हट ही करने लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी अपना वादा पूरा कर देते हैं। बताइए, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, वरना आपको नींद नहीं आने वाली है आज। ऐसी कोई बात नहीं है जोधा बेगम, हम बस सकते में थे कि आप अपनी दी हुई जुबान भूल गए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जीत गए हैं। हाँ तो आपको जिताने में हमारा ही योगदान था। हाँ वो तो है। अच्छा, आपको कैसे पता? क्या आप अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई है जोधा बेगम, जबकि बाकी औरतों के हाथ पर आलता लगा हुआ था? और जिस हिसाब से आप इसे दिखा रही थी ना, हम समझ गए थे कि आप भी चाहती हैं कि जीत हमारी ही हो। लेकिन अगर आप ये नहीं भी दिखाती तब भी हम आपको पहचान जाते। हाँ तब भी आप हमें पहचान लेते। अपनी शेख ही मत बघारिए आप। जो भी हो, जीत हमारी हुई ना तो मतलब आपको भरपाई करनी होगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, कहिए क्या करना होगा हमें। वो जो इंसानी लिबास आपने पहना था ना, एक बार हमारी खातिर उसे फिर से पहन के दिखाइए ना। पर हमने आपको पहन के दिखाया तो था। तो दिक्कत क्या है, दोबारा पहन लीजिए। हमें ना वो लिबास और इस लिबास में आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ पर अभी तो क्या। अच्छा ठीक है, पहन के दिखाएंगे पर आज नहीं फिर कभी। वचन देते हैं आपको। ठीक है, हमें यकीन है आप।